नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डबरा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनहरी के ग्राम नीवी में 75 वर्षीय वृद्ध महिला आनंदीबाई बाथम की भूसे के कूप में भूसा भरते समय दबकर मौत हो गई। इसकी सूचना परिजन को जब लगी तो 12 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद सबको भूसे के कूप से बाहर निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक वृद्ध महिला के परिवारजन सभी शादी समारोह में गए हुए थे। 75 वर्षीय आनंदी बाथम घर पर अकेली थी, जो अपने खेतों पर पक्षियों के लिए भूसा भरने गई थी। इसी दौरान भूसे का कुप ढह गया, जिसके नीचे दबकर वृद्ध की मौत हो गई। मृतका के परिजन अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह आयोजन में गए हुए थे और परिजन जब सुबह लौटे तो उन्हें घर पर वृद्ध महिला नहीं मिली तो गांव में काफ़ी खोजबीन की, जहाँ वो कहीं नजर नहीं आई। जिसके बाद खेत पर पहुंचे तो वहाँ भूसे का कुछ हिस्सा जमीन पर पड़ा हुआ मिला। जिस समय मृतका आनंदी बाई का सब कुछ वहाँ मिला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डबरा से अभिषेक राणा की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है तुम्हारा? सत्येंद्र पाथम। सत्येंद्र पाथम, कहाँ के रहने वाले हो? निवी। यहाँ दादी भूसे में दब के खत्म हुई है, कैसा क्या पूरा मामला? अरे अचानक सब लोग घर पे थे, रिश्तेदारी में चले गए थे, अचानक दादी एक खेत पे चली गई कूप के अंदर दसी, तो अचानक कूप रख गया। रात भर कूप में दबी नहीं, किसी को पता नहीं चला। सब सुबह खाना देने के लिए, चाय देने के लिए भाई को आए, तब देखा ढूंढा तो भाई दिखाई नहीं, बस में देखा तो बस में दबी मिली। आप कैसे पता चला कि दादी बुस के अंदर दबी हुई? तो बुसरा का हुआ था, तो देखा पूरा बुसरा का हुआ, तो उसमें देखा तो पता चला भाई उसमें दबी हुई है, तो तबला पट्टी वहाँ पे बिछी हुई थी। रात भर दबी रही उसी? रात भर दबी रही भाई 12 घंटे। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।